गांव में डेंगू मलेरिया फैलने पर संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध होगी कार्रवाई। पोषण मिशन की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में पोषण मिशन की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी MOIC यह सुनिश्चित करे कि VHNC फंड का समय पे सदुपयोग कर लिया जाए तथा ग्राम प्रधान एवं आशा ग्राम की स्वच्छता के साथ फैगिंग कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि यदि गांव में डेंगू मलेरिया का मामला पाया जाता है तो यह देखे कि प्रधान द्वारा VHNC फंड से फैगिंग कराई गई है या नहीं, और यदि प्रधान की लापरवाही मिले तो कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। कार्यक्रम में जोड़ना है, उनको वैक्सीनेट होना है और दो ऐसी बीमारियों को एक ही टीकाकरण के माध्यम से जो बहुत ही गंभीर रोगों की उससे जड़ जुड़ी हुई है। कई बार डिसेबिलिटीज जो होती है बच्चों में बहुत बचपन से डेवलप हो जाती है, अंधापन डेवलप हो सकता है या अन्य कई डिसेबिलिटीज भी डेवलप हो जाती है, उनकी रोकथाम के लिए, उनसे लड़ने के लिए जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, क्या है, किस तरीके का ये केसेस है, किस तरीके का टीकाकरण होगा? देखिए, ये पूरा एक बड़ा कैंपेन मीजल्स रूबेला के टीकाकरण के संबंध में 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जनपद में आज आयोजित हुई। ये पूरा कैंपेन जो है ये स्कूल में बच्चे जो अध्ययनरत हैं और साथ ही साथ में 9 मंथ 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं और उसमें ज़्यादा बड़ा सेगमेंट जो है वो स्कूल में अध्ययनरत बच्चों का है, उनको ये कैंपेन में कवर करने की विशेष व्यवस्था है। जनपद में ये संख्या लगभग 9,55,000 ऐसे बच्चे हैं जो इस पूरे योजना में कवर होने हैं और उनको टीकाकृत करके इन गंभीर बीमारियों से रोकथाम के लिए ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। मैम, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन भी रखा गया है क्या? देखिए, ये 26 नवंबर से इसकी शुरुआत है और लगभग एक महीने का प्रोग्राम है। हमारे उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमें प्रत्येक दिवस में 264 सेशंस करने हैं अपने जनपद में और ये हम लोग एक महीने के का समय इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है एडिशनल सत्र का आयोजन करना पड़े। कभी कोई बच्चे बीमार रह जाते हैं जो इस पूरे कैंपेन में छूट जाते हैं, तो उनके लिए एडिशनल सत्रों का आयोजन तब तक कराते रहेंगे हम जब तक ये पूरा कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा। इसमें एक कभी कभी परेशानी क्रिएट होती है कि इसमें एक बच्चे को एक बार ही डोजेज दिए जाएंगे या इसमें ज़्यादा ले सकता है, अगर ज़्यादा लेगा तो इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह? देखिए, कोई साइड इफेक्ट्स की बात नहीं है, बहुत ही सेफ इंजेक्शन है, बहुत ही मेडिकल जो IMA है उसकी पूरे सारे टेस्ट को ये पार करता हुआ आया है और इस बात को बहुत क्लियरली बताया गया है कि इस MR कैंपेन में सभी बच्चों को टीकाकृत होना है। अगर उन्होंने पहले भी लगवा लिया है तो भी इस ड्यूरेशन में उनको दोबारा से इस इंजेक्शन को लगवाना है। हमारे उत्तर प्रदेश में अब ये शुरुआत हुई है, 20 जो स्टेट्स थे उनमें तो ये लगातार चल रहा था और अब उत्तर प्रदेश में भी इस कैंपेन का आगाज़ हुआ है और इसमें कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत सारे बर्थ इम्पेयरमेंट्स को भी, एक पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है उसके विकास को भी इम्पेयर करती हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए इसकी बहुत है।